राम राम जी। आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, खुश हैं और सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। आपको पता है कि कोरोना का मुकाबला हम और आप अकेले अकेले नहीं, मगर एकजुटता के साथ हम सब मिलकर ही इस मानवता के राक्षस का सामना कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव जितना हो सके प्रधानमंत्री राहत कोष में और मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना योगदान करने के बारे में जरूर सोचें। ये इसीलिए आवश्यक है ताकि हमारी सरकारें मिलजुल कर योजनाबद्ध तरीके से जहां हमारे देश को जरूरत हो वहां निवेश करके कोरोना का सामना करने के प्रयत्न करें। स्वास्थ्य सेवाओं में जहां सुधार की आवश्यक है, कहीं मास्क की जरूरत है, कहीं गाउन की जरूरत है, कहीं वेंटिलेटर की जरूरत है, कहीं आईसीयू आइसोलेशन बेड की उपलब्धता की जरूरत है और भी कोई कहीं हैंड सैनिटाइजर्स की और मास्क की आम जन के लिए आवश्यकता है, इन सभी विषयों पर सरकार प्रयत्न करे और सक्षमता से प्रयत्न करे, इसीलिए हमारा योगदान भी आवश्यक है। मैं स्वयं इस संदर्भ में, चूंकि मैं इस हफ्ते राज्यसभा के सांसद के रूप में मेरा चयन हुआ है, मैं राज्यसभा के सांसद निधि पहली निधि में 1 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में और 1 करोड़ की राशि हरियाणा के मुख्यमंत्री राहत कोष में मैं देने का मैंने निर्णय किया है। साथ ही मैं अपनी पहली तनख्वाह के साथ, जब तक ये स्थिति गंभीर रहेगी तब तक अपनी हर तनख्वाह राहत कोष के अंदर मैं जमा कराऊंगा। मगर हमें और आपको यहीं नहीं रुकना है, अपनी ओर से योगदान करने के साथ साथ हमें और भी सोचना है कि कैसे हम लोग मिलके क्या भूमिका निभा सकते हैं, कोई और योगदान कर सकते हैं कि नहीं। इन विषयों पे मैं भी गंभीरता से सोच रहा हूँ, कई विषयों पे काम भी मैं कर रहा हूँ। बीच बीच में आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपके दरवाजे में पहुँचूंगा। आपके भी अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझ तक वो जरूर पहुँचाएँ ताकि मिलजुल कर हम इस स्थिति का सामना कर सकें। आप सबका धन्यवाद। हम जीतेंगे, भारतवर्ष जीतेगा, कोरोना हार